देश भर में नवरात्र का महापर्व शुरू हो जाएगा, मगर इस बार नवरात्र के पावन पर्व पर कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। जिन सड़कों और मार्केट में हजारों की संख्या में 24 घंटे वाहन और लोग दौड़ते हुए नजर आते थे, आज उन्हीं सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं जैसे ही लोगों को हल्की फुल्की छूट मिल रही है, लोग सड़कों पर निकलकर नवरात्र के पर्व की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कानपुर की साकेत नगर मूर्ति बाजार में इस बार पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में लोगों के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक घरों से निकलकर जरूरत की चीजें लेने के लिए हल्की छूट दी गई। इसी दौरान मूर्ति बाजार में लोग नवरात्र के पावन पर्व को देखते हुए माता की प्रतिमा को लगाकर बेचने का काम कर रहे हैं, मगर सड़कों पर पसरा सन्नाटा इस बार दुकानदारों की मेहनत पर अंधेरा करता हुआ नजर आ रहा है। जी बताइए, कोरोना से लेके पूरे देश में महामारी है, उसका मतलब कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया है, जगह जगह पर सब रोक लगा दी गई, निकलने के लिए समस्याएं बन गई, तो इससे क्या कल नवरात्र की तैयारी है, कल नवरात्र है, आज सब लोग तैयारी में लगे हो, क्या समय आपको निर्धारित मिला है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है, जिस तरह से हम लोग चाहते थे कि पूजा करना, जिस तरह से तैयारियाँ लगवा चाहते थे हम लोग, उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ सामान भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा है थोड़ा बहुत। वैसे जनता कर्फ्यू को हम लोग सपोर्ट करते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत उठानी पड़ रही है। अब थोड़ी देर के लिए समय मिला तो हम लोग सामान लेने आ गए। नहीं तो क्या, किस तरीके से महंगा सामान मिला पिछली बार, तब कितना महंगा मिल रहा है? नहीं रेट तो मिल रहा है, अब जैसे पिछली बार नारियल 25-30 का था, तो क्या 50 का मिल रहा है। तो ये कर्फ्यू को लेके इसी तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या ऐसे मतलब कर्फ्यू के सहयोग करते रहेंगे लोग? देखिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ महंगाई नहीं करनी चाहिए भाई, इंसान सबको सपोर्ट करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? अनिल त्रिवेदी। सर आज आप यहाँ किस लिए आए थे, क्या आपको देखने को मिला? ये मूर्ति लेने आए थे क्योंकि सर डीएम ने आदेश दिया 6 से 9 छूट दिए, तो उसे ये लगा कि सामान कुछ खरीद लिया जाए, नहीं तो पता नहीं कल से फिर कर्फ्यू लग जाए, इसलिए जरूरी सामान जो है घर का वो खरीद लें, पूजा पाठ भी कल करनी है, नवरात्र व्रत भी, तो कल कलश स्थापना करना है, तो इसलिए निकले हैं 6 से 9 कुछ सामान खरीद लें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुराग है, और आज अभी मेरे पास 2 बजे मैसेज, जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया तब पता चला कि 6 बजे से 9 बजे तक कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई, जनता कर्फ्यू में जो लॉकडाउन था, तो अब आ तो मैं गया हूँ यहाँ पर, लेकिन नवरात्र हैं कल से, और मुझे बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिया जाए, क्योंकि मूर्ति की वैरायटी बहुत कम है, और उसमें भी इतना एक्स्ट्रा पैसा ये लोग बता रहे हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें ये भी प्रॉब्लम वाली है, मूर्ति स्थापना भी करनी है, सारी चीज़ों को भी हम लोगों को रखना है, और इसके साथ साथ अभी लॉकडाउन से हम लोग इतना, जो कोरोना का इतना खौफ है उससे हम लोग इतना ज़्यादा चिंतित है, उससे इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि अभी भी कुछ खरीदारी का मन नहीं कर रहा है, अभी भी आप देख रहे हैं कि मास्क और हेलमेट भी मैंने दोनों लगा के रखा हुआ है, तो अभी कहीं ना कहीं एक जो डर है, क्योंकि पहली प्राथमिकता यह है कि ईश्वर का आशीर्वाद तब तक ही रहेगा जब तक हम लोग सावधानी बरतेंगे, और इसलिए मैं अभी तो पूरी तरह से और मेरा परिवार जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। 3 घंटे में मार्केट में क्या चल पहले? फिलहाल कोशिश पूरी ये है कि 3 घंटे जो ही हमें मिले हैं ये पूरे 9 दिन की खरीदारी है, इस पूरे 3 घंटे के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि 9 दिन की जितनी भी खरीदारी है, पूजा पाठ से लेकर सामग्री से लेकर और जो भी पूजा अर्पण हम लोगों को करना है, वो सारी चीज़ें इस 3 घंटे में ही हम लोगों को करनी है, कोशिश कर रहे हैं कि 3 घंटे में एक बहुत साफ सफाई और एक सावधानी के साथ हम लोग काम करें और फिर अपने घरों में जाएं, पूजा अर्पण करें और परिवार के साथ समय बिताएं। चाचा ये आज जो कोरोना के लेके बंदी की गई थी, आज लोगों ने सहयोग भी किया बंदी से, आज कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो मार्केटों में जो खुली है क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या समस्या आई अभी तक मार्केटों में? बेटा ये प्रभाव पड़ रहा है कि भाई अब जिसको जो जैसे सामान चाहिए था उसी भाव के नहीं मिल पा रहा है, अब ये है कि जैसे कि 10 वाली चीज है 25 में मिले, 25 वाली है 50 में मिलेगी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने जो ये काम किया है कोरोना वाला बहुत बढ़िया किया है, एक हिसाब से कि अपने अपने घरों में रहें और शांतिपूर्वक बनाए रखें। ये समस्या ये है कि कल नवरात्र है, उसको समय रखा गया सामान लेने के लिए, तो किस तरीके से लोगों को यूज करा, किस तरीके से सामान दुकानें खुली, किस तरीके भीड़ लगा हुआ? अब बेटा भीड़ की वजह से तो देखते हुए तो उन्होंने समय तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहिए रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, ये है कि समय के आधार से अब जिसको जो चीज़ की जरूरत हो अपना अपनी चीज़ ले सकता है।